माइग्रेन एक ऐसा हेडेक जो बिल्कुल भी आम हेडेक नहीं है, जो आम हेडेक से काफ़ी डिफरेंट है। अगर इसको सही समय पे ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारे दिन का चैन और रात की नींद को ख़राब कर देता है और ये हमारी इससे पूरी लाइफ जो है गड़बड़ा जाती है। क्या है माइग्रेन हेडेक, कैसे होता है, क्या इसके पीछे की रीजंस है और योग में इसके क्या उपचार है और क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है, सब कुछ आज हम डिटेल में जानेंगे। इसलिए पूरे इस वीडियो को पूरा देखें और समझें भी और शेयर भी करें उन लोगों तक जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कंटेंट और हमारा उद्देश्य आपको एक स्वस्थ जीवन देना है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही एक खुशहाल जीवन का आधार है। माइग्रेन हेडेक, जो जैसा कि मैंने बताया कि ये आम हेडेक से काफ़ी डिफरेंट है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आज कम से कम 100 करोड़ लोग, 1 बिलियन लोग इससे प्रभावित है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि माइग्रेन हेडेक से रिलेटेड एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी भी बनाई गई है, जो हेडेक से रिलेटेड शोध जो हो रहे हैं, रिसर्च जो हो रही है, उसमें यह आर्थिक सहायता करती है और जिनको हेडेक से रिलेटेड कुछ समस्या है, प्रॉब्लम्स है, तो उन लोगों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो इसी से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी समस्या सभी लोगों के लिए बन चुकी है। मैं अपने हर वीडियो में ये बताता हूँ कि किसी भी बीमारी का उपाय में जाने से पहले आपको उस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपको अगर उस बीमारी के बारे में पता होगा कि ये बीमारी है क्या, मुझे बीमारी किन कारणों से हुई, तो 50% बीमारी का उपाय तो हो चुका। अब 50% जो है वो हम योग और आयुर्वेद से इसका उपचार करें। मैंने अपने 15 साल के अनुभव में कम से कम बहुत सारे लोगों को माइग्रेन हेडेक से जूझते हुए देखा है और हमने उनको योग और आयुर्वेद से उनको ट्रीटमेंट उनका किया, बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट उसका मिला। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बीमारी आखिर है क्या। आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी जो कम्युनिकेट करती है, हमारी सेंसेस जो कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसको कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में आयोन चैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपस में आदान प्रदान होते हैं दो सेल्स के बीच में, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जब भी किन्हीं कारणों के वंश ये आदान प्रदान सही से नहीं हो पाता हाइपर एक्टिविटी के कारण या लो एक्टिविटी के कारण, तब माइग्रेन जैसी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। माइग्रेन के अलावा इन हाइपर एक्टिविटी की वजह से स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इस प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। अभी तक माइग्रेन होने का कोई स्पेसिफिक रीजन सामने नहीं आया। बहुत सारी रिसर्च होती है, फिर भी अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक रीजन सामने नहीं आया। जो कुछ भी रीजन्स हैं 4 से 5, वो मोस्टली जो दूसरी बीमारियां हैं उनके भी एक स्पेसिफिक रीजन होती है, जिसमें सबसे बड़ा एक रीजन है स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई बना हुआ है, कॉन्स्टेंटली हाई पे है, और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यूटी में आपके अंदर रिलीज हो रहे हैं, जो आपके दूसरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो स्ट्रेस को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है हेरिडिटी। आपके माता पिता या सिबलिंग्स को भी ये बीमारी है, तो कोई संभावना है कि आनुवंशिकता के कारण ये बीमारी आपको भी हो सकती है। तीसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है ओबेसिटी। अगर आप ओबेस हैं, अपने वेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं खान पीन से या एक्सरसाइज से, तो भी पूरी संभावना है कि ये बीमारी आपको लग सकती है। चौथा है महिलाओं में प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हार्मोन का इंबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का, तब ये बीमारी, ये प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है महिलाओं के अंदर। और पांचवा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सही समय पे खाना खान पीन नहीं होना, नींद का पूरा नहीं होना, इनएक्टिविटी, ये बहुत सारी सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आजकल नॉर्मल बन गई है। तो आपने देखा कि इसके क्या क्या रीजंस हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिगर्स पॉइंट की, जिससे जिनको ये प्रॉब्लम है वो जब भी इन ट्रिगर पॉइंट के संपर्क में आते हैं तो ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। सबसे बड़ा इसका एक ट्रिगर पॉइंट है तेज ध्वनि। अगर आप किसी तेज ध्वनि के संपर्क में आते हैं
तो ये प्रॉब्लम आपका माइग्रेन हो सकता है ट्रिगर हो जाए। आप बिना प्रोटेक्शन के अगर बाहर धूप में बहुत तेज रोशनी में चले जाते हैं, सनलाइट में चले जाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम ट्रिगर होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। कुछ सर्टेन फूड्स ऐसे हैं जिनको खाने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई बार वेदर चेंजेस भी हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती और ये प्रॉब्लम उनमें भी के लिए ट्रिगर हो जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ रीजंस और इसके ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि योग में इसके लिए क्या उपचार हैं, क्या इसके आसन हैं, क्या इसके प्राणायाम हैं, जो अगर हम अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत ही अच्छा और इसका उपाय मिलेगा। चलिए कम टू द योगा में अब हम करेंगे अपना पहला आसन जो है सेतुबंधासन। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा आसन, बहुत ही फायदेमंद आसन मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जिससे हमें सिर्फ एक ही जगह पे पर्टिकुलर जगह पे फ़ायदा नहीं मिलता है, मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। चलिए कैसे करते हैं ये आसन आज हम करेंगे। पहले थोड़े बहुत इसके कुछ फ़ायदों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये आसन से हमारे बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, माइंड हमारा काम होता है एंड हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो है वहाँ पे ये प्रवाहित करता है, रक्त संचार करता है, इसलिए इस आसन का महत्व और भी बढ़ जाता है। हरिओम। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे एक एक करके। नाउ पाम फेसिंग डाउन, दोनों हथेलियाँ नीचे की तरफ, पैरों के बीच थोड़ा सा अंतराल रखेंगे, पैरल टू योर हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के बराबर। नाउ जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है वो अपनी हील्स को हिप्स पे टच कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर आपको हील्स को थोड़ा सा आगे रखना है अपनी नी जॉइंट के बराबर। नी जॉइंट और एंकल जॉइंट एक सीध में होनी चाहिए। नाउ इनहेल, हिप्स को ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल ऊपर पुश करेंगे जितना कर सकते हैं इनहेल के साथ। एक्सेल लास्ट टाइम, इनहेल अप। नाउ यहाँ पे आपको होल्ड रखना है मिनिमम 40 सेकेंड्स। होल्डिंग के टाइम ब्रीदिंग आपकी डीपर रहेगी, धीरे धीरे आप इस होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। नाउ जेंटली रिलैक्स, अब आपको रिलैक्स होना है, जस्ट रिलैक्स। ये था सेतुबंधासना। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे आसन का, वो भी बहुत ही अच्छा आसन है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासन, जो बहुत ही फायदेमंद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक अकेला आसन है जिसमें हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग के साथ साथ अच्छी स्ट्रेंथ भी मिल रही है। इसको बहुत ही फेमस आसन भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पे इसके थोड़ा बहुत इसके बेनिफिट के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो ये जो लोग कम से कम 5 घंटे 7 घंटे ऑफिस में बैठकर काम करते हैं उनकी बॉडी का स्टिक होना स्वाभाविक है। तो ये हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है, हमारी स्पाइन को लेंथनिंग करता है, हमारी कफ मसल को स्ट्रेच करता है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है, हिप मसल को स्ट्रेच करता है, पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग के साथ साथ ये एज यू कैन सी इन द पोस्चर कि हमारा ब्लड फ्लो प्रवाह हो रहा है टुवर्ड्स द हेड, ये उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए ये बहुत अच्छा आसन कहा जाता है माइग्रेन के अंदर। हरिओम। अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासना। सो ये है फाइनल पोजीशन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है, आपके एल्बो जॉइंट्स कैसे रहेंगे, आपकी फिंगर्स कैसे रहेगी, आपकी बैक कैसे होगी, हिप जॉइंट, आपकी नी जॉइंट, फीट, सब कुछ के बारे में अब हम एक एक से चर्चा करेंगे, उनकी की पॉइंट्स के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आपकी एल्बो जॉइंट, एल्बोस जो है आउटवर्ड होनी चाहिए, आउटवर्ड रोटेशन उनका होना चाहिए, नॉट कम्प्लीटली बट स्लाइटली, इट शुड बी आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए। एंड फिंगर्स मस्ट बी अपार्ट कम्प्लीटली, फिंगर्स एकदम खुली हुई रहनी चाहिए,
ताकि आपका प्रेशर हाथों का फिंगर्स पर और पूरे पाम पर आ सके। फीट शुड बी लिटिल अपार्ट, पैरेलल टू योर हिप जॉइंट। पैरों के भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए हिप जॉइंट के बराबर में। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है वो अपनी नी को बेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है पोस्चर को स्ट्रेट रखना और बैक को स्ट्रेट रखना। तो नी को बेंड करने से आप अपनी बैक को पुश कर सकते हैं चेस्ट की तरफ और अपने पूरे अपर बॉडी को पुश कर सकते हैं टूवर्ड्स द फीट की तरफ। हिप को आपको ऊपर की तरफ उठा के रखना है। जैसे ही आप अपनी हिप को ऊपर की तरफ खींचते हैं आपकी बैक ऑटोमेटिकली इनवर्ड हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, स्ट्रेट हो जाएगी एकदम। तो हिप को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ खींच के रखिए। डाउनवर्ड फेसिंग के बाद ही इसको आपको करना है शशंकासन, जो काउंटर पोज भी है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग का। डाउनवर्ड फेसिंग के तुरंत बाद इसको आपको करना है ताकि आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो सके, बॉडी में जो स्ट्रेचिंग आई थी वो मसल्स एक बार रिलैक्स हो सके, आपका मन एकदम शांत हो सके। तो ये तीन आसन हैं जो आपको करने हैं। चौथा अब हम बात करेंगे जो जिसको योग के अंदर कंप्लीट योग साधना भी कहा जाता है और योगा प्रैक्टिस का एक कैप्सूल जिसको हम कहते हैं वो भी कहा जाता है, उसका नाम है सूर्य नमस्कार, जो आपकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक एक एक पार्ट को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेंथन करता है। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना है, इसके फ़ायदों के बारे में सुना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में आपको ज़्यादा बताना चाहिए। सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में पूरी डीप जानकारी के लिए इसका एक लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा, आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था आसनों के बारे में, फिजिकल प्रैक्टिसेस जो बहुत ज़रूरी है अपनी मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और उनको रिलैक्स करने के लिए। अब हम बात करेंगे आफ्टर फिजिकल प्रैक्टिस क्या इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन। और उस रिलैक्सेशन में योग निद्रा और DRT डीप रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो माइग्रेन है ये हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो माइंड का शांत रहना बहुत जरूरी है। और आफ्टर द फिजिकल प्रैक्टिस भी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो उसको शांत करने के लिए योग निद्रा ही एक सबसे बड़ा उपाय है अपनी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करने का। कैसे योग निद्रा करते हैं इसके बारे में पूरी डीप जानकारी के लिए आपको हमारे दूसरा वीडियो हमारा बनाया हुआ है, लिंक नीचे दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और इस पावरफुल सबसे पावरफुल टेक्निक जिसको कहा जाता है योग निद्रा, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जाएंगे प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम जो हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, माइंड को शांत रखते हैं और प्राण को यानी एनर्जी चैनल्स को ओपन अप करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उसका भी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम में सबसे पावरफुल प्राणायाम जिसको अनुलोम विलोम कहा जाता है वो बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, अडोप नासिका मुद्रा, इस पर फर्स्ट टू फिंगर्स को आपको इस प्रकार फोल्ड रखना है, थंब से राइट नोस्टल को क्लोज करना है, इनहेल लेफ्ट से डीपली, आफ्टर डीप इनहेल क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद द रिंग फिंगर, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, देन इनहेल फ्रॉम द राइट, क्लोज द राइट विद द थंब, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। इस प्रकार इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये चलता रहे अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। ध्यान रखने योग्य बात ये है कि आपको ये प्रक्रिया, ये प्रैक्टिस बहुत धीरे से करनी, बिना किसी आपकी साउंड के, साउंड नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस के साथ करनी है, पूरा ध्यान आपका प्रैक्टिस में होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रैक्टिस है, दूसरी अभ्यास में जाएंगे प्राणायाम के अंदर, भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये भी माइंड को एक्टिव रखने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कैसे करेंगे, मेक ए फिस्ट लाइक दिस, क्लोज द ईयर्स विद द थंब, अपने अंगूठों से थंब ईयर्स को क्लोज करना है, ईयर्स को बंद करने के बाद में टच योर टंग टू द अपर पैलेट लाइक दिस। नाउ इनहेल, सांस लेनी है गहरी लंबी, स्लोली धीरे से
जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपको हनी बी की साउंड प्रोड्यूस करनी है। जितना धीरे ये साउंड होगा, उसको जितना लंबा लेके जा सकते हैं एक साउंड को, उतना ही इसका बेनिफिट, कम से कम 9-12 राउंड का। ये था भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम लास्ट में आ जाता है थोड़ा सा हल्का फुल्का मेडिटेशन, जस्ट सिट साइलेंटली क्वाइटली विद बैक एंड नेक स्ट्रेट, आंखें बंद रखनी है, एकदम साइलेंट, बिना कुछ सोचे समझे 3 मिनट आपको साइलेंट में बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए, किसी के थॉट में मिंगल नहीं होना है, मिलना नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे कुछ अभ्यास माइग्रेन के। अगर आप इसको कंटिन्यूटी प्रैक्टिस में करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका माइग्रेन पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, स्वस्थ रहने के लिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन का आधार है। हरिओम।